हाँ तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए अर्श अमृत। पाइल्स और बवासीर के लिए बनी हुई ये आयुर्वेदिक दवा है, जो कि पाइल्स पर बवासीर को बहुत ज़्यादा असरदायक है और बहुत ज़्यादा रिजल्टफुल है। जैसे कि हम आपको बता दूँ कि जो लेटिन की जगह होने वाली तकलीफ है, जहाँ पे छोटे छोटे अंगूर या मस्सी जैसे या गठाने जैसी बन जाती है, जिसमें लेटिन में खून आना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, इसको जो है पाइल्स के तरह से मैं आपको बता दूँ, ये जो है ज़्यादा ज़ुकाम होने की वजह से, ज़्यादा नज़ला होने की वजह से, या बार बार खांसी या कफ होने की वजह से जो है आपको ये पाइल्स की बीमारी हो जाती है। इसलिए आप हमेशा कोल्ड ड्रिंक को, ठंडी चीज़ों को जो फ्रिज में रखी हुई जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसका इस्तेमाल ना करें, जिससे कफ हो और खांसी हो या आपके कफ जम जाए। आपको जो है दूध से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी वजह से आपको जो है कफ की मात्रा बढ़ जाती है और सीना जो है कफ से भर जाता है। आइसक्रीम, दूध से बनी हुई चीज़ें, जो फ्रिज में रखी हुई जितनी चीज़ें होती है ठंडी होती है, वो खाने की वजह से इंसान को जो है कफ हो जाता है। इसकी वजह से आप ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह का सेवन ना करें, जिससे कफ हो और आपका पाइल्स की जो बीमारी एकदम तुरंत ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से गुदवारे नली जो है भर जाती है। आपको इसमें जो है काली मिर्च का भी इस्तेमाल कम करना है, जिसकी वजह से आप जब लेटिन करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो है जलन होती है, चरचराहट होती है, जिसकी वजह से काली मिर्च उसमें बहुत हानिकारक है। आप मैदा इस्तेमाल ना करें, मैदा इस्तेमाल करने की वजह से आपका पेट जाम हो जाएगा और लेटिन करने में तकलीफ होगी, इसलिए इससे परहेज करें। आपको चना नहीं खाना है, चना खाने की वजह से जो है लेटिन बहुत सख्त हो जाता है और बाहर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आपको लेटिन होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो है लाल मिर्च का, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल ना करना है, इसकी वजह से जो है लेटिन में जो है ज़्यादा जलन हो जाती है और लेटिन के बाद होने वाली तकलीफ जो है बढ़ जाती है। इसलिए हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें। आलू ना खाएं, आलू की वजह से जो है पेट जाम हो जाता है, गैस हो जाती है और लेटिन जो है थोड़ा सा चिकट हो जाता है, जिसको बाहर आने में जो है तकलीफ़ होती है, इसलिए आलू का भी इस्तेमाल ना करें। और मैं बता दूं कि आपको इमली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना है, क्योंकि इमली का इस्तेमाल करने की वजह से जो दवाई है, आप कोई भी दवाई लो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको इमली का, खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है और बाहर से बनी हुई चटपटी चीज़ें का इस्तेमाल और होटल में बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कम कर दे, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है कम हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको जो है पानी का सेवन, पानी को ज़्यादा पीना है, जिससे आपके बॉडी में जो है पानी की कमी ना हो, और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और लेटिन को जो है साफ़ करता है, पतला करता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से आप जो है एप्पल सेब को खाएं, ये जो है लेटिन को सॉफ्ट करेगा और नरम करेगा, जिससे आपको लेटिन करने में तकलीफ़ नहीं होगी। और आपको जो है पपैये का भी इस्तेमाल करना है, जो है आपके पेट को जो है साफ़ करेगा और लेटिन को एकदम साफ़ तो और आसानी से बाहर निकाल देगा। और आपको जो है गन्ना भी इस्तेमाल करना है, गन्ना जो है आपके शुगर लेवल को भी कम करेगा, शुगर लेवल को बढ़ाएगा और जो है पानी आपको की कमी को भी दूर करेगा और एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंजीर खाना है। अंजीर को आप जो है गीली या सूखी दोनों भी खा सकते हैं, या रात में 2 अंजीर भिगा के उसको सुबह नया पेट बारीक चबा के लेना है, जिसकी वजह से आपको खून भी कमी को भी दूर करेगा और आपके पाइल्स में भी बहुत असरदार असर करेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अर्श अमृत क्या टेबलेट को जो है आप ऑनलाइन भी बुला सकते हैं। ये आपको ONMG पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर भी आसानी से मिल जाएगा और आपको इसका बहुत ज़्यादा असर तुरंत ही लगेगा।